और जो आशीर्वाद के योग्य हैं उन बच्चे नन्हे मुन्ने को भी मेरा आशीर्वाद है। अभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस 60 सखी का उत्तर पाठ से आप लोगों पाठ के माध्यम के द्वारा श्रवण किए हैं। बड़े भाग्य मानुष चेतन पावा सुर दुर लव सब ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य का उपाध्याय देते हुए और आगे बताया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए लगे ही परलोक सवारा। क्या हम सब यह विचार कर सकते हैं कि एक मनुष्य के अलावा जो भी शरीर है क्या उसमें हम साधना कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो ये केवल मनुष्य के शरीर से ही साधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, भक्ति करके मुक्ति को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महर्षि नहीं ब्रह्मा जी महाराज ने पदावली में लिखा है यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में क्या और आगे होगा क्या, तो कर्म धर्म को जला खाद कर देंगे तुमको तार। जब साधना करेंगे तो आगे होगा क्या कि जो हमारा यह कर्म जो बना है एक जन्म से नहीं जितने भी बार हमारा जन्म हुआ है प्रत्येक जन्म में हमारा कर्म बना है तो उसको मिटाने के लिए साधना साधन के द्वारा। महर्षि संशयी परमहंस जी महाराज ने कहा करो तुम साधना मन से सफलता हाथ है तेरे, निश्चल भक्ति कर गुरु की सहायक साथ है तेरे। ऐसा नहीं है कि साधना हम कर रहे हैं और गुरु का कृपा नहीं है, गुरु महाराज का कृपा नहीं मिला, ऐसी बात नहीं है। निश्चल भक्ति कर गुरु की सहायक साथ है तेरे, सहायता करने वाला कहीं नहीं जाता, वह हर घड़ी हर क्षण। ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा करे ना भजन तो भगवान क्या करे। फिर कहा गोस्वामी जी ने कहा कि जो भजन नहीं करता है उसके बारे में बताया गया है तो सौ परत दुख पावही सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वह क्या होगा, वह कौन सा जोड़ी में जाएगा, किस नरक का द्वार पे जाकर के खटकाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाए। जो साधना करते हैं उन्हीं को आगे का कार्य बनता है और उसी का यह कर्म कटता है मिटता है। उपनिषद का भी कहा यदि सहस्रम पापम विस्तरणम बहुयोजनम हित के ध्यान योगे नमानी और भेद सदाचरण। अगर साधना करते हैं तो वह हमारा कर्म जो है वह कटते जा रहा है, कटते कटते क्या होगा कि अंत में हमें वह परमात्मा का साक्षात करना होगा। इसलिए आप लोग सत्संग में आए हैं, बहुत उत्तम की काम किए हैं
और सत्संग ही एक ऐसा गढ़ है कि कोई हिला नहीं सकता, कोई यमराज का दान नहीं कर सकता। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि जो हमारे संगत लोग हैं, जो नाम दान ले चुका है, उसके ऊपर कभी किसी काल का दाल नहीं करता, उसको कभी छू नहीं सकता, उसके निकट नहीं जा सकता। इसलिए आप लोग सत्संग भजन करें, क्रियाकाल करें, बाबा लोग भी बैठे हुए हैं, आप लोग विशेष करके उनके मुखारवि से श्रवण करेंगे, विशेष आप लोग को लाभ होगा, ज्ञान होगा, साधन में हो सकता है तरक्की भी पड़े। श्री सतगुरु महाराज की जय।